हाजिर है बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। शिकवे हैं, शिकायत हैं और हैं गिले। नमस्ते बाबूजी। अरे सुबोध बेटा, कैसे हो तुम लोग? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। बाबूजी, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा किराए का मकान मिल गया है। क्या बात है मैडम, आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रोमांटिक बातें हो रही हैं। साहब ये लीजिए अखबार और अखबार का बिल। अरे यार 100 रुपया, महंगाई फिर से बढ़ गई। दरअसल ये नेता लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं। हाँ साहब आप सही कह रहे हैं, कल प्याज का भाव फिर बढ़ गया। अभी कोई वक्त है प्याज के भाव बढ़ने का? जब मैंने पूछा दुकानदार से कि भाव बढ़ने की क्या वजह है, तब उसने कहा कि बारिश होने की वजह से माल मंडी में कम आ रहा है। बहाने हैं व्यापारियों के, बारिश कम होती है तो मंडी में प्याज नहीं आती, और अगर ज्यादा हुई तो भी यही बात। अब सर्दियों में कुहासा होता है, अब यह भी एक बहाना है कि कुहासे में गाड़ियां नहीं चलती। गरज यह कि तरह तरह की दलीलें गढ़कर मफाद परस्त व्यापारी माल की जखीरांदोजी करते हैं, इसी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। अब मैं समझा कि व्यापारी लोग जानबूझकर मंडी में माल क्यों नहीं लाते। जब मंडी में माल कम हो जाता है तो मांग बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दरअसल इंसान अपनी इंसानियत भूल रहा है, पैसा कमाने के चक्कर में जायज नाजायज का ख्याल ही नहीं करते, और ये सब पैसे के लालच की वजह से हो रहा है। लालच की वजह से महंगाई बढ़ रही है, वो कैसे? जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम नहीं देते हैं। इन हुक्मरानों के पास इख्तियार हैं गलत लोगों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के, लेकिन वो बड़े बड़े साहूकार हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जैसे एक गंदी मछली सारे तालाब को खराब कर देती है, वैसे ही एक खराब इंसान समाज के कई लोगों को खराब कर देता है। अब मैं समझा कि रोज बरोज इतनी महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। वो अपनी जेब ज्यादा भरने के चक्कर में आवाम की जेब पर डाका डालते। मुझे इस्लाम मजहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हराम से बचो। तुम अगर अपने बच्चे की परवरिश हराम के पैसों से करोगे तो वो बिगड़ जाएगा, उसकी रगों में जो खून बनेगा वो हराम का होगा, हलाल का नहीं। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बैठो बैठो। आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है, हरी मेरा पूरा ख्याल रख रहा है, खाना पीना भी अच्छा बना लेता है। साहब आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊं? हाँ हाँ चाय लेकर आओ, जल्दी जाओ। बाबूजी आपका नौकर तो बड़ा समझदार लगता है। मेरा अच्छा ख्याल रखता है। बाबूजी आप भी सुबोध और भाभी के साथ चंडीगढ़ क्यों नहीं चले गए? भाई सुबोध और सीता तो मुझे बार बार बुला रहे,
पर ये पुश्तैनी घर ये शहर छोड़ने को दिल नहीं करता है। चाय पियो चाय। बहुत सही कहा बाबूजी आपने। इंसान जहां ज्यादा वक्त बिताता है उससे एक खास लगाव हो ही जाता है और उस जगह को छोड़ना मुमकिन नहीं होता। ओ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ओ मैं कहा सत श्री अकाल सोमा जी। सत श्री अकाल अमरजीत जी। मैडम मैंने सुना है आपने 15 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। हाँ की तो है। आपकी शादी हो गई है क्या? छुट्टियों का शादी से क्या ताल्लुक? मैडम इतनी लंबी छुट्टी यहाँ तो आदमी परिवार के साथ मनाता है या अपने हस्बैंड के साथ, और आपको देखकर लगता नहीं कि आपकी शादी हुई होगी। अपनी जुबान पर काबू रखिए मिस्टर अमरजीत। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी मम्मी बीमार है, मुझे कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना है, समझे? नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे 8 बज गए। अरे आम नाल खा पुत्र। ओ देख तेरे डैडी भी आ गए। क्या बात है बरखुरदार, आज नाश्ता बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। अरे भाई सब खैरियत तो है? जी बाबूजी सब खैरियत है, आज ऑफिस जल्दी जाना है, काम कुछ ज्यादा है। हम तुम्हारे वालिद ही नहीं तुम्हारे दोस्त भी हैं बरखुरदार, बताओ माजरा क्या है? वो सीता की तरफ आजकल आपका रुझान कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम अमरजीत। अरे आप लोग यहां बैठे हैं और हम आपको अंदर क्यूबिकल में ढूंढ रहे थे। अरे अमरजीत क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जी सर सब खैरियत है। वो कल संडे है ना, तो हमने आप लोगों के लिए लंच का प्रोग्राम अपने वर्कशॉप में रखा है और खाने के बाद फिल्म देखने चलेंगे। नहीं अमरजीत, इस हफ्ते काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ, ये संडे आराम करना चाहता हूँ। सुबोध अब जब खाने का प्लान बना ही लिया है तो चलते हैं ना, आराम तो होता ही रहता है, प्लीज। ठीक है लेकिन सिर्फ वर्कशॉप और लंच, मूवी नहीं। ठीक है आप लोग बातें कीजिए, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। यही मौका है चिड़िया को दाना डालने का। कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं सीता मैडम, वो मैं कह रहा था कि आपने फिर मुझे सीता कहा। ठीक है तो आज से हम आपको बाहर बुलाएंगे। बाहर? लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि जब भी आप मेरे करीब आती हो मेरी मायूसी जिंदगी में एक बाहर आ जाती है। क्यों आपको नाम पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं बहुत पसंद आया, बिल्कुल आपके मिजाज की तरह। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें भगवान का करना चाहिए जिसने इस अनजान शहर में आप जैसा हमदर्द दिया। अच्छा एक बात बताइए। पूछिए ना। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप जितनी खूबसूरत लड़की आज तक मिली नहीं ना।
चलो संडे का प्लान तो फिक्स हुआ, अब ऑफिस का काम कर ले, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग बचा है। चले तो कल मैं आपको ठीक 11 बजे लेने आ जाऊंगा। जी सर। सुलोचना कहाँ गई तू? तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए था सीता। हम इस शहर में नए हैं और किसी अनजान इंसान पर इस तरह भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। इसमें भरोसे की बात कहां से आ गई सुबोध? वो बेचारे हमारा इतना ख्याल रखते हैं, अब उस दिन म्यूजिक के पासेस भी वेस्ट हो गए ना। अब अगर आज आप खाने के लिए भी मना कर देते तो फिर खाना भी वेस्ट हो जाता। तुम्हें पता है सीता, मैंने एक प्लान बनाया था कि कल हम दोनों इस शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खाएंगे। आप भी ना हमेशा बस अपना पैसा वेस्ट करने में लगे रहते हैं। अरे कल की दावत अमरजीत के नाम ही सही, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सीता, तुम नहीं समझोगी। रोज रोज किसी का एहसान लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लो अब इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? देखिए वो हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, इसीलिए दोस्ती निभाने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए अब आप ये सब बातें छोड़िए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ, ठीक है? अरे मैडम जल्दी कीजिए, 11 बज चुके हैं, अमरजीत आते होंगे। बस तैयार हो गए आप तो मिले। शायद अमरजीत होंगे, तुम एक काम करो तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं पर्स लेकर आता हूँ। आइए। कमाल का हुस्न पाया है आपने बाहर मैडम, प्लीज काला टीका लगा लीजिए वरना किसी की नजर लग जाएगी। अरे भाई किसको किसकी नजर लग जाएगी? गुड मॉर्निंग सर, वो तो मैं अपनी
कार के बारे में बात कर रहा था। आजकल किसी भी खूबसूरत चीज को बिना काला टीका लगाए बाहर ले जाना ठीक है ना सर? बहुत ही चालाक आदमी है। यही बोल रहा था मैं मैडम को। अब चले, जल्दी लौट कर आना है। चलिए मैं तो रेडी हूं। चलिए। यार तुमने इतने साल नौकरी की, तुमने तो अच्छी खासी जायदाद बना ली होगी। तुम तो जानते हो दोस्त, मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया वो अपने लिए नहीं कमाया, अपने भाइयों के लिए कमाया। उनको बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छी नौकरी पे लगवाया, यहाँ तक कि जितनी भी जायदाद ली मैंने वो सब उनके नाम से ली। आज वो अपने पाँव पे खड़े हैं, अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन जो भी जायदाद ले रहे हैं वो अपने नाम से ले रहे हैं। मैंने तो आज तक उनसे एक रुपया भी नहीं मांगा है। अब तुम क्या चाहते हो उन लोगों से? मेरे दोस्त, मैंने आज तक अपने भाइयों की वजह से अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाया। आज मेरे पास इतनी रकम नहीं है। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, अब उसका शादी का खर्च उठाने के लिए कोई भी भाई तैयार नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैंने जितनी भी जायदाद आप लोगों के नाम से ली है मैं उन्हें बेचकर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, अब वो उसके लिए भी तैयार नहीं। कालीचरण, हकीकत में वो जायदाद तुम्हारी है। ये तुम्हारी नेक नियति थी कि तुमने अपने भाइयों के लिए भी जायदाद खरीदी, अब वो तुम्ही से गद्दारी कर रहे हैं। काश मैं सारी कमाई अपने लिए बचा कर रखता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। कालीचरण, मेरे ख्याल से तुम अपने भाइयों से एक बार फिर से बात कर लो, शायद उनके दिल में रहम पैदा हो। बात की थी अपने भाइयों से, मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तुम लोगों के साथ इतनी अच्छाइयां की हैं, बचपन से तुम लोगों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, यहां तक कि जितनी जमीन जायदाद दी सब तुम लोगों के नाम ली मैंने। अब तुम्हारी भतीजी की शादी है भाई, तुम्हें मालूम है कि इतने खर्चे हैं कहां से आएंगे, और मैंने जितनी रकम तुम लोगों को बनाने संवारने में लगाई, तुम लोगों के नाम जायदाद देने में लगाई, अगर वो मैं बचा कर रखता तो आज तुम लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना होती मुझे। तो जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा उन नमक हरामों ने? उन्होंने कहा कि ये तो आपने बड़ा होने का फर्ज निभाया है, हम लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने उनसे कहा भाई क्या छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? कालीचरण, वो इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में कुछ और ही मखलूक है, छोड़ दो उनके सामने हाथ फैलाना। ऐसा है, तुम्हें जब भी जरूरत हो तो तुम मुझसे बतौर उधार ले लेना, ठीक है? शुक्रिया बनर्जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुदरत का भी अजीब करिश्मा है, अपने पराए हो जाते हैं और पराए अपनों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। वैसे सिंह साहब, आपका वर्कशॉप देख के दिल खुश हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। पूछो जी, पूछो। आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतना अच्छा वर्कशॉप है जी, तो अमरजीत को अपने साथ काम पे क्यों नहीं लगा लेते? जी मैं तो चाहता हूँ अमरजीत मेरे साथ काम करे, पर यह है कि कुछ करना ही नहीं चाहता, पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है। ऐसी बात नहीं है सुबोध सर,
दरअसल मेरी निगाहों में ये नौकरों वाला काम है। मुझे बैंक में काम करना बहुत अच्छा लगता है। गलत कह रहे हैं आप, यही तो है मालिकों वाला काम। नौकरों वाला काम तो हम लोग करते हैं बैंक में। बिजनेस में बरकत है और जॉब में गुलामी। यही तो तुमको दिखाने लाया था डार्लिंग। अमरजीत, क्या सोचने लग गए आप? वो मैं सोच रहा था कि आप लोग खाने के बाद ठंडा लेंगे या गरम? जी शुक्रिया, ऐसे खाना बहुत लजीज था, मजा आ गया जनाब। और इतने लजीज खाने के बाद कुछ और खाना, यानी इस खाने की तौहीन करना। ओ जी, हम पंजाबियों का खाना तो ऐसा ही होता है, लज्जतदार। एक काम करते हैं, अभी हम ऑफिस चलते हैं और वहीं चल के गपशप करेंगे। चलिए। दिलनो साहब, आपका ऑफिस तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ये तो नई कार्स का शोरूम है, पीछे हमारे पास एक पुरानी कार का भी शोरूम है। सुबोध जी, इन पोस्टर्स में से कोई कार पसंद आई आपको? सिंह साहब, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। यूं ही नहीं जी, मेरा तो मशवरा है, आप आज एक कोई ना कोई कार ले ही लीजिए। नहीं नहीं सिंह साहब, हमारी इतनी सेविंग नहीं है कि हम कोई कार खरीद सके। अगर ऐसी बात है तो मैं सेविंग्स बढ़ा सकती हूँ। और सर, आपको तो कार लोन भी आराम से मिल जाएगा। वैसे ढिलो साहब, कम से कम कितने में आ जाएगी एक अच्छी सी गाड़ी? नहीं सिंह साहब, मैंने अभी कार के बारे में नहीं सोचा है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि पहले बाबूजी को अपने साथ यहाँ ले आऊँ, फिर उनके मशवरे से जो हमारी कलकत्ता की प्रॉपर्टी है उसका मसला हल करके यहाँ एक मकान ले लूँ। सुबोध सर, मकान तो कभी भी हो जाएगा, पहले आप एक कार तो खरीद ही लीजिए। अमरजीत जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बाबूजी के मशवरे के बिना कोई काम नहीं करता हूँ। हे वाहेगुरु, ऐसा बेटा हर माँ बाप को देना। पर ऐसा बापू का गुलाम शौहर किसी दुश्मन को भी ना दे। बस हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। मुझे कुछ ठंडा गर्म हो जाए फिर से। जी शुक्रिया, आप एक काम क्यों नहीं करते, नेक्स्ट संडे हमारे घर आइए अमरजीत के साथ। जी संडे को तो वर्कशॉप में काफी काम होता है, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं किस दिन फोन करके आ जाऊंगा आपके पास। अमरजीत जी। बाबू जी। बेटा सीता जी को और सुबोध जी को घर तक छोड़ाओ। जी बाबू जी। हाँ, और गाड़ी जरा ध्यान से चलाना। आप लोग चलिए, मैं आप लोगों के लिए कार निकालता हूँ। ठीक। सिंह साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ऐसे आते रहिएगा। जी सर। कैसी तबीयत है माँ जी? अच्छी, ठीक। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तला भुना खाना बंद, तेल घी से परहेज करना होगा। अब डॉक्टर साहब, डिस्चार्ज कब तक मिल जाएगा? वैसे तो आपकी वालिदा ने रिकवर बहुत जल्दी किया। क्या आपकी वालदा को एक दो दिन अंडर ऑपरेशन में रखना होगा, एक दो दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। जी। ओके माँ जी। जी।
देखा माँ, डॉक्टर ने कहा हम एक दो दिन में घर चलेंगे, जल्दी ठीक हो जाओगी। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। रुक्मिणी बिल्कुल सही समय पे आई है। अच्छा सुन, ये वाली दवाई ना खाने से 15 मिनट पहले देनी है, और ये वाली खाने के आधे घंटे बाद। देख भूलना मत हाँ। मैं सब समझ गई हूँ, अब आप घर जाके आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, मैं यहाँ संभाल लूंगी। अच्छा मम्मी, आप दवाई जरूर ले लेना। ठीक है बेटा, चलती हूँ। कार का नंबर बताइए। CH02NA7587। अभी आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम जल्द से जल्द उस कार को ढूंढ लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। वाई गुरु, किस किस को संभालूं? सोमा को, सीता को या पाऊजी को? वैसे मैं सेक्टर 5 बंगलो नंबर 10 में रहती हूँ, और आप लोग कहाँ रहते हैं? वो अपने ऑफिस के कलीग है ना, अमरजीत ढिल्लो, उन्हीं की कोठी है। आपको और कोई घर नहीं मिला?